डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्यूचर में आप ट्रेड लेते हो ना, तो कभी भी पुट बाई कर लेना। जैसे मान लो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर रहे हैं 53,000 लेवल का, तो हम क्या करेंगे, कैरी ओवर कर रहे हैं, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट नीचे चला जाए। अगर मैं डायरेक्ट फ्यूचर बस बाई करूंगा तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं क्या करूंगा कि 53,000 चल रहा है, अगर यहाँ पे फ्यूचर बाई किया हूँ तो मैं कम से कम 52,500 का पुट जरूर बाई करूंगा सेफ गार्डिंग के लिए। किसी वजह से मेरे विपरीत में 1,000 पॉइंट नीचे खुल गया तो कम से कम मुझे बड़ा लॉस नहीं देगा वो, पुट जो बाई किया हूँ वो कुशन दे देगा। और अगर मेरे फेवर में चला गया तब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो ऑप्शन का प्रीमियम जो आपने बाई किया होगा वो करीब 30-40 पॉइंट ही घटेगा। तो सर मेरा एक कहना है कि एक और ऐसे कि जैसे इंडेक्स में जैसे हेज करके करें तो ज्यादा अच्छा है कि स्टॉक को हेज करके करें? आपको जो सूट करता है, मैं इसीलिए बोला हूँ हर किसी को हर चीज सूट नहीं करता है। जिसको स्टॉक सूट करता है सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करिए। अब अगर आप चार जगह ट्रेड करोगे चारों में फेल होने वाले हो, ये मेरी तरफ से गारंटी है। कोई एक चीज में मास्टरी करना पड़ेगा आपको, या तो स्टॉक्स में मतलब स्टॉक्स, उसके अलावा हटना नहीं है। इंडेक्स मतलब इंडेक्स, स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर, है ना, पोजिशनल लेके जाते हो तो बुल स्प्रेड, बीआर स्प्रेड जो भी है, या फिर स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो भी कर रहे हो वो उसके साथ जाइए। कभी भी वन वे अगर पोजीशन को होल्ड करना है तो सिंगल मत करना। अगर स्टॉक ऑप्शन भी बाई करते हो तो दूर का स्टॉक ऑप्शन सेल कर देना, मतलब बुल स्प्रेड में ही जाना। फ्यूचर बाई करते हो तो सब मतलब हेजिंग करने के लिए पुट बाई कर लेना, ताकि अगर गलती से अगर 10% नीचे खुल गया क्या करोगे? बहुत सारे शेयर है ना इंट्राडे में 10% नीचे खुल जाते हैं, अगर आप उसका फ्यूचर लेके बैठे हो तो आपका कैपिटल साफ कर देगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि जब भी हम नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर करते हैं पुट बाई कर लो। कुछ नहीं तो कंफर्टेबल अपना जितना रिस्क कैपेसिटी है उतने लेवल का कम से कम पुट बाई कर लो, ताकि अगर विपरीत खुले भी तो मेरा कैपिटल साफ ना हो या मुझे जेब से देनदारी ना पड़े, है ना। जो मैं फ्यूचर अगर बाई कर रहा हूँ तो फ्यूचर में मान लो मैं 1 लॉट बाई किया हूँ और मेरी रिस्क कैपेसिटी 20,000 की है, तो 20,000 के हिसाब से मैं पुट का प्रीमियम बाई करके रखूँगा कि वो 20,000 से ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो अगर विपरीत भी चला जाए। तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम को एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर बाई करो और कौन सा पुट लेना है, कितने रुपये में मेरा रिस्क लॉक हो जाएगा, उसके हिसाब से आप पुट का प्रीमियम भी बाई करके रखेंगे। अगर वो फ्यूचर आपके फेवर में जाता है तो पुट का प्रीमियम आपका लॉस में जाएगा, लेकिन फ्यूचर अगर 20 पॉइंट बढ़ता है तो पुट में करीब 3 से 4 या 5 पॉइंट ही गिरावट आएगा, तो नेट नेट आप प्लस में रहोगे। लेकिन अगर विपरीत जाता है तो फ्यूचर मान लो 20 पॉइंट गिरता है तो आपका जो पुट है वो करीब 10 पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप दूर का तो लोगे नहीं बहुत ज़्यादा, हेजिंग करना है तो नियर बाई का ही पुट हम हेजिंग करेंगे। उसमें क्या हो गया कि कई बार संभावना ये होती है ना कि आपने फ्यूचर लिया हुआ है, मैं बहुत सारे केस देखा हूँ, बहुत सारे लोग को देखा हूँ, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया है, ज़्यादा लॉट ले लिया 5-7 लॉट और 10 लाख 20 लाख का कैपिटल है और वो 10% नीचे खुल गया है, पूरा कैपिटल साफ। तो ये करोगे तो कम से कम अगर आपका 20 लाख रुपये का अमाउंट है तो 1 लाख रुपये ही जाने वाला है, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ओके, है ना। हेज करके ही जाना है। फ्यूचर बाई करते हो, पोजिशनल रखते हो, तो जो प्रीमियम आप लिए हो उस प्रीमियम को स्विच करते जाना है। थोड़ा सा कॉस्टिंग लगेगा आपको कि फ्यूचर बढ़ रहा है और साथ साथ मैं प्रीमियम को मूव करा रहा हूँ, तो जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बड़ा ब्रेकआउट है तो आपको जैसे अगर 5 से 10% मूव हो गया है तो आप प्रीमियम को शिफ्ट कर दोगे, हायर प्रीमियम का फिर से पुट बाई करोगे कैरी ओवर करने के लिए। अब 5% बढ़ गया है तो आप जो एग्जिस्टिंग पुट है उसी को होल्ड करोगे तो वो तो खत्म हो गया ना, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 1% से कम में या उसी लेवल एट द मनी के पास में शिफ्ट करना पड़ेगा, वो कॉस्टिंग लगेगा, बट आप सेफ हो जाओगे। जी मैं तो स्टॉक्स में करता हूँ और ये इंडेक्स में करना है तो मैं बुल स्प्रेड प्रीफर करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।